खुर्जा में शादी करके फरार हुई लुटेरी दुल्हन, नकदी और जेवरात लेकर हुई फरार। दो दिन पूर्व 50,000 रुपए लेकर दुल्हन की फर्जी मौसी और साथी ने कराई थी शादी। अपने रिश्तेदारों से मिलने का बहाना बनाकर निकली थी अपने पति के साथ। पति को चकमा देकर हुई फरार मुस्लिम युवती ने हिंदू बनकर रीति रिवाज से किया था विवाह। दुल्हन के फरार होने के बाद पता लगा कि लुटेरी दुल्हन ने अपना पता गौतम बुद्ध नगर के दनकौर का बताया था। आरोपी मौसी को पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस पूछताछ में जुड़ी बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर का मामला बाइट संग्राम सिंह सीओ खुर्जा। दुल्हन का मामला सामने आया है, क्या मामला है सर पूरा? खुर्जा नगर में किला मुंबई में रहने वाले चंद्र प्रकाश ने एक व्यक्ति के संपर्क में आया जिसने उनकी शादी कराई। कुछ दिन पहले वो महिला जो है चली गई है। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के अंतर्गत जांच कर रही है और जांच के बाद तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। आज जो आप थाने आए, क्या पूरा मामला? मैं 21 तारीख की शादी हुई मेरी 3 दिन पहले और 3 दिन बाद ना जेवरे 50,000-60,000 रुपये ले गए चली गई। कौन चली गई? पत्नी। कहाँ चली गई? अपने पिया। अच्छा, किसने शादी कराई थी आप? साविर ने, बिचौलिया ने। बिचौलिया ने। आप थाने क्यों आए? साविर को कितने पैसे दिए आपने, क्या हुआ? हमने 50,000 रुपये दिए। अच्छा, 50,000 रुपये किस बात के लिए? गरीब घर लड़की है, वो कह रहे इनमें लगा देंगे हम, तो उसने शादी के नाम से जी हमने दे दिए खर्चा के लिए, उधर से भी अपना गए समझ लो। अब पत्नी आपकी फरार हो गई है? हाँ। रिश्तेदारों में जानकारी ली आपने, कहाँ है? रिश्तेदारों में जानकारी ली गए, मैं गए रिश्तेदारों के यहाँ पर गया, उनके बाद ना हम मिलने गए, जानकारी ली कि कहाँ है, कहाँ ना ठिकाना, किसी से जानकारी लेके हमने फिर बिलासपुर गए। बिलासपुर में छानवानी करी तो वहाँ तो पूछा इस नाम का है बंदा, तो उसने बताया कि हाँ यहाँ पर रह रहे तो है जो शादी फादी करवाता है, तो यही पेशा है उनका शादी कराने का। हाँ यही पेशा है। कहाँ से शादी हुई थी आपकी? हमारी दनकौर से, दनकौर दिखाई थी लड़की। अच्छा, और शादी अब हमने खुर्जा करी आके ला के। रेखा। रेखा जी, आप थाने क्यों आई हैं? हमने जो ये शादी करी थी, हमने 50,000 रुपए दिए थे। हाँ। और हमने शादी करी। हाँ। शादी के बाद में फिर जो हमने तीसरे दिन हम मिलाने के लिए ले गए थे। हाँ। अब मिलाने के बाद में फिर ये जो वहाँ पहुँचे सिकंदराबाद में मिठाई ली थी, मिठाई के बाद में ये वहाँ से फरार हो गई है। किसकी शादी करी थी आप? अपने देवर की। अच्छा, तो हाँ, क्या क्या लेके चली गई? ये 50,000 रुपए और जो जेवर, हमारा जेवर ले गई है ये। और अब कोई पुलिस ने पकड़ लिया है? हाँ। किसको पकड़ा है? लेडीज है। अच्छा, हाँ। बिचौलिया और जो उनकी रिश्तेदार है कोई? हाँ। अच्छा, क्या बता रही थी रिश्तेदारी में? तो ये रिश्तेदारी में कभी कहीं की बताती है, कभी बिलासपुर की बताती है, कभी कह देती है मैं सिकंद बुलंदशहर की हूँ। क्या लगती है रिश्ते में? रिश्ते में मौसी। अच्छा, दुल्हन नहीं मिली? नहीं मिली वो।